hope you written the entire meaning which I written here. So now I am starting the lesson again because the in between the video stopped. That's why you see that Sandhi is also. Now only two lines going on. So at the beginning I am starting. पूरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद् भविष्यश्च इति त्रयोमस्या वसन्ति स्म यद् भविष्यश्चेति जो मैंने यहां लिखा है इसका संधि विच्छेद है यद् भविष्य प्लस च प्लस इति यद् भविष्य नाम है इसीलिए कि सम टाइम्स अगो प्रेयर लिव्ड इन अ पॉन्ड थ्री फिशेस जलाशय
है इन वन पॉन देयर लिव्ड वसंती स्म मतलब लम लकार में जो आप पढ़ते हो पास्ट टेंस में सेम वर्ड को आप लट लकार में स्म लगा करके पास्ट टेंस का वर्ड बना सकते हो जैसे अपठत अपठता अपठन आपने पढ़ा अगच्छन पढ़ा और यहाँ पे गच्छन्ति स्म सेम मीनिंग है मीन्स अगर लंग लकार नहीं भी याद किया और सेम मीनिंग आपको लगाना है तो स्म लगा के उस लट लकार वाले रूप में आप पास्ट टेंस का रूप बना सकते हो सो दैट इज रिटन हियर वसंती स्म मीन्स अ वसंत सो पूरा सम टाइम्स अगो इन वन मॉर्निंग there lived three fishes named Anagarbhutata, Pratyutpanmati and Yadbhavishya. At kadachit tat kalasyam drishtva, so any time, one time, after seeing that pond, the fisherman said, Oh, oh, matsyo ayamida, oh my god, so many fishes are here in this pond. Bahu matsyo ayam, bahu matsya cha, आई हम संधि विच्छेद भी साथ साथ देखते जाओ और नोट डाउन करते जाओ सो माय गॉड सो मेनी फिशेस आर देयर इन दिस पॉन्ड तदर्थ आहार वृद्धि संजात तदर्थ तत् जो अर्थ सो टुडे इट विल बिकम आवर फूड सो अत्र आगमने मत्स्य कुर्मादेव व्यापार देयुं दैतव्या इति निश्चय सो मीन्स टुमोरो टुमोरो व्यापार दैतव्या मतलब kill by us so tomorrow we will come here and kill the fishes and the tortoises this foolish shopam ye jo baatein kiya machhware ne aapas mein do ya teen machhware honge dono ne aapas mein baatein ki aur zor zor se bol ke unki baat ki vispalit to kiya nahi bol ke baat kar rahe the aur machhliyon ne unki baatein sun li machhliyon ne unki baatein sun li अथ तेषां पुली शोपमं वचनं समाकर्ण्य पुली शोपमं का मतलब होता है थंडरबोल्ट लाइक थंडरबोल्ट वॉयस लाइक थंडरबोल्ट सो आफ्टर हियरिंग द वॉयस लाइक थंडरबोल्ट ऑफ फिशर मैन द फिशेस कन्वर्सेटिंग द फिशेस टॉक टुगेदर श्रुतो अयं जीवनलाभः सो आर यू हर्ड द वॉयस ऑफ Fisherman, Aduna Asmavi Kim Kartavya. So now, what should we do? Ab hum logon ko kya karna chahiye? Tatra Anagar Vidhata Nam Matsya Praha. When the Anagar Vidhata named Anagar Vidhata, he said, Nunam Prahad Samaye Divaraha Atra Agarme Matsya Sanrakshanam Karishyanti. Nunam ka matlab hota hai, nischayi, definitely. So, surely in the morning the fisherman came here and killed us. So, iti mam manasi vartate. It is in my mind. This is in my mind. ये बात मेरे मन में है कि वो जरूर सुबह आएगा और हम लोगों को मार देगा, मार के हम लोगों का शिकार कर देगा. तन्न युक्तम संप्रदम क्षणम अपि अत्र अवस्थातुम तन्न में भी संधि विच्छेद है क्या है देखो तत् प्लस ना तत् ना युक्तम मतलब यह युक्त नहीं है दिस इज नॉट फेयर टू स्टे हियर फॉर इवन अ मोमेंट नाउ सो दिस इज नॉट फेयर टू स्टे हियर इवन अ मोमेंट इन दिस पॉन्ड सो वी शुड गो टू द अनदर पॉन्ड फॉर आवर सेफ our safety we should go to nearby pond for our safety right now matlab abhi ka bhi hum logo ko chale jana chahiye nun so tat na yuktam sampratam kshanam api atra avasthatum so this is not fair to stay here even a moment asmavi ratrau ev kinchit samipam sarah gantavyam so we should go to the nearby another nearby pond right now अभी काफी चले जाना चाहिए अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि मैं तो तब तक चला दूसरे जलाशय में मैं चला मैं दूसरे पॉन्ड में जा रहा हूँ
वो कौन बोला अनागत विधाता, अनागत विधाता नाम का जो मछली मछली थी वो बोली सो आई एम गोइंग टू द अनदर रॉक, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू द अनदर रॉक. अंडरस्टूड. अपरम प्रत्युत पद्मती प्राह, दूसरा जो है द सेकेंड वन नेम्ड प्रत्युत पद्मती सेड भविष्यदर्थे प्रमाण न भावात कुत्र मया गंतव्य. भविष्यदर्थे मतलब भविष्य के लिए, आवर फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर, सो वेयर वी शुड गो, अपने भविष्य के लिए हम लोग कहाँ जाएं. अगर मरना लिखा है तो आप कहीं भी जाओगे मरोगे, वो मरने के डर से भाग रहा था ना. अनागत विधाता जो है जब फिशरमैन की बातें सुन ली तो वो सोचा कि सुबह में ये फिशरमैन आएंगे और मुझे मार देंगे हम लोगों को, तो मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से, भाग रहा हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगा मैं, तो दूसरे पॉन्ड में जा रहा हूँ. पर दूसरे दो मछलियाँ जो थी यानी भविष्य एंड प्रत्युत पद्मती, दे थिंक दैट इफ वी वी हैव टू डाई, अगर हमारी किस्मत में लिखा ही है मरना तो कहीं भी जाएंगे मर जाएंगे, अन्यथा यहाँ भी हम जीवित रह सकते हैं. सो भविष्य दर्थे प्रमाणा भावा पुत्र मया कर्तव्य, सो वेयर शुड वी गो, तदुत्पन्ने यथा कार्यम तदनुष्ठेयम, तदुत्पन्ने सिंस देयर इज नो प्रूफ, तदुत्पन्ने उससे उत्पन्न होने वाले जो कार्य हैं उसकी क्या अनुष्ठान करनी है, तथा वेयर शुड आई गो, तथा च उत्तम और भी कहा गया है उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान. उत्पन्नम आपदम, आपदा की उत्पत्ति होने पर, कोई भी आपत्ति आने पर, यस्तु समाधत्ते जो उसका समाधान निकाल लेता है वही बुद्धिमान है. आपत्ति जब आती है तो जो उसका जो उसको सब उसको समाधान करता है या उसको आपत्ति को आप ट्रीट कर लेते हो वही आपकी बुद्धिमानी है. फिर कोई भी समय जो है स्थिर नहीं रहता है. अभी समय जो है गतिशील है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आते रहते हैं, तो आपत्ति आई है तो ये टिके ही नहीं, चली जाएगी आफ्टर सम टाइम्स. और जो खुशियाँ हैं वो भी नहीं टिकती है, वो भी आफ्टर सम टाइम्स दे ऑल्सो गॉन. सो क्या बोला यहाँ पे, उत्पन्नम आपदम यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान. सो फ्यूचर leave the our forefathers
this, it is not good, है ना? अब उनकी बातें सुन गए, डर गए और हम अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है इसको छोड़ के भागे, ये उचित नहीं है। यदि आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतनाम अपि मृत्यु भविष्यति। यदि आयु क्षय है हमारी, अगर नहीं है इसके आगे आयु, तो अन्य जगह जाने पर भी मृत्यु होगी ही, है ना? सुनो, इफ व्हेन द ओकेजन अराइजेस, ओकेजन मतलब क्या, अगर मृत्यु, अगर डेथ डिसाइडेड है, देन वी शुड गो व्हाट एवर शुड बी डन, जहां भी हम लोग जाएंगे वो होगा ही। सो व्हाट एवर इज नॉट गोइंग, अन्यत्र गतनाम अपि, सो आफ्टर गोइंग अनदर प्लेस वी शुड डाई, वी विल डाई, भविष्यति ए। उक्तं च यद् भावि न तद् भावि, भावि चेन न तदन्यथा, इति चिन्ता विशत् नो अयम् अगदः किं न पीयते। हैपन विल नॉट हैपन, यद् भावि न तद् भावि, हैपन विल नॉट हैपन, जो हो रहा है वो नहीं होना। व्हाट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन, जो चीज नहीं हो रहा है, जो नहीं होने जा रहा है, वो विल नॉट हैपन, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। इट समटाइम्स इज कॉलिंग, समटाइम्स इज गोइंग टू हैपन, जो चीज होना है वो विल नॉट चेंज, मीन होके ही रहेगा, जो होने वाला है वो चेंज नहीं होगा, वो होकर के ही रहेगा। इति चिंता विषयो अयम अगदः किं न पीयते। व्हाई दिस मेडिसिन व्हिच पुट एन एंड चेंज माइंड डेफिनेटली, सो ये नहीं चेंज कर सकता है। अत तयो निश्चय ज्ञात्वा, तयो मतलब उन लोगों ने, उन लोगों के द्वारा अर्थ दयो निश्चय ज्ञात्वा, दयो मतलब वो उन सबके द्वारा निश्चय जानकर, अनागत विधाता निष्कांत सब परिजने, तब अनागत विधाता जो है अपने परिजनों के साथ विथ इज रिलेटिव्स दे गो फॉर द अनदर पॉन्ड। तो इमौ अत्रैव जलाशये स्थितौ एंड दिस टू वन द यद् भविष्यः एंड प्रत्युत्पन्नति स्टे हियर इन दैट पॉन्ड। अप्रत्यु धीमरै आगत जलाशये जालं छिद्रम्। अपरह द्यु, अप्रत्यु का क्या है, अपरह प्लस द्यु मतलब दूसरे दिन सुबह में, दूसरे दिन सुबह में, नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम देयर एंड स्प्रेड द नेट इन दैट पॉन्ड। जालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृतवत आत्मानं संदर्श स्थितः। अब वो जाल बिछा दिया उस फिशरमैन ने, तो जालेन बद्ध आफ्टर कैचिंग, आफ्टर कैप्चरिंग इन दैट नेट प्रत्युत्पन्नमति मृतवत आत्मानं संदर्श स्थितः। प्रत्युत्पन्नमति क्या गया कि स्टे ऑन दैट नेट बाय सोइंग हिम दैट आई वाज, ही वाज डेड, वो मर गया है, ही इज डेड, ऐसा दिखाते हुए वो उस नेट में पड़ा रहा। ततो जालाद अपसारितः, ततो जालाद अपसारितः, देन वो जाल से निकाला गया, हाँ जालाद हो गया पंचमी का, विभक्ति का, जाल से अलग, जाल से निकाला गया। यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरम नीरम प्रविष्ट, और यथाशक्ति उनमें जो है खूब सारे पानी को डाला गया। यद् भविष्यः धीमरै प्राप्तः व्यपादितः च, यद् भविष्यः
यद भविष्य वास कॉट एंड व्यापारितः, यद भविष्य जो है पकड़ा गया, प्रत्युत्पन्नमति क्या किया था कि अपने आप को मरने के जैसा ऐसे करके सोया था, और यद भविष्य पकड़ा गया और मार डाला गया वो फिशरमैन के बाद, फिशरमैन वाज किल्ड द यद भविष्य। अब एव उक्तम, इसीलिए कहा गया, सो इट इज सेड दैट अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधते यद् भविष्य विनश्यति। सो यद् भविष्य कॉट एंड किल्ड बाय फिशरमैन, सो द पॉइजन ऑफ एंजाइटी नॉट ड्रंक, पॉइजन ऑफ एंजाइटी नॉट ड्रंक, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा, वो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों, ये दोनों सुख से रहने लगे और यह भविष्य मर गया। वो बिलीव दैट व्हाट कैन मे हैपन गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बिलीव दैट व्हाट कैन मे हैपन गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ मोरल क्या है, मोरल है कि जैसे अब कोई विपत्ति आई है तो अपनी रक्षा तो करनी चाहिए। कोई विपत्ति आ गई, अब वो सोच रहा है बॉन्ड में है, एक ने तो अपनी जान, जान से तो सबको मोह है ना कि जान